ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 982736। सागर में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां अभी तक शहर के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज P1 के संक्रमित होने का पता नहीं लग पाया था। किसी बीच उसके एक और दोस्त भी पॉजिटिव निकला, जहां दोनों के संक्रमण की चेन खोजने में जुटे प्रशासन को आज उस वक्त एक और झटका लगा और दूसरे मरीज के संपर्क में आने वाले 3 रिश्तेदारों की जाँच के लिए भेजी सैंपल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से उसकी मुश्किल बढ़ गई है। अब यह संख्या 5 तक पहुंच गई है। आज आने वाले 3 मरीजों को भी कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल सभी पॉजिटिव मरीज पहले से घोषित कंटेनमेंट जोन से ही निकले हैं। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन फिर से इस पूरे क्षेत्र की चौकसी कड़ी कर दी है। अब भी सबके बीच संक्रमण की चेन का पता लगा पाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। तो वहीं जो 3 पॉजिटिव मरीज आज आए हैं, वह किन लोगों के संपर्क में आए, उनकी पड़ताल। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कल जो दूसरा जो मरीज जो आए थे उनके रिपोर्ट लगाई थी, उसमें इनके रिश्तेदार में से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये भी वहीं पे कृष्णगंज के निवासी हैं और इस तरह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टोटल पॉजिटिव केसेस 5 हो गए हैं। इन तीनों के उनको BMC के कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी।